नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वाधान में दरभंगा शहर के कृष्णा रेसिडेंसी में होली मिलन समारोह का आयोजन। सीआईटी बल एवं उत्पाद निरीक्षक सुरेश कुमार के टीम के तत्वाधान में छापेमारी के दौरान 90 लीटर देसी एवं विदेशी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। दरभंगा स्टेशन के स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से 3 शराब कारोबारी 186 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार। बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने की घोषणा करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी, जेडीयू नेता व पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी। दरभंगा के एनएसयूआई कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के तत्वाधान में दोनार स्थित पवन गार्डन में होली मिलन समारोह का आयोजन। अखिल भारतीय कात्स महासभा दरभंगा जिला इकाई के तत्वाधान में कवि उपेंद्र निकेतन में होली मिलन समारोह सह कवि गोष्ठी का आयोजन। फूड बैंक के सदस्यों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दरभंगा शहर के विभिन्न जगहों पर जरूरतमंदों के बीच जरूरत की सामानों का वितरण। जिलाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में होली पर्व के मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु बैठक का आयोजन। संतोष सिंह एवं समाज सेवी मुन्ना सिंह के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा शहर के सर्वे कैंपस में मनाया गया भव्य होली मिलन समारोह। दरभंगा शहर के मरवाड़ी कॉलेज के समीप बजरंग दल के तत्वाधान में अनेकों गणमान्य व्यक्ति के समीप सैकड़ों कार्यकर्ता ने मनाया होली मिलन समारोह। अब देखिए दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वाधान में दरभंगा शहर के कृष्णा रेसिडेंसी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर नगर विधायक संजय शराबगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, पवन सुलेखा, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अलावा अनेकों गणमान्य लोग मौजूद थे, जहां एक दूसरे को गुलाल लगाकर एवं मोमेंट देकर होली मिलन समारोह किया गया। इसके उपरांत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। चैंबर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया और भाग लेने का मौका मिला। आप सभी के बीच में होली मिलन समारोह को मनाने का मुझे भी मौका मिला। चैंबर के माध्यम से मैं समस्त जिला वासियों को भी होली मिलन समारोह की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि जिला के तमाम निवासी इस पर्व को आपसी भाईचारे शांति सौहार्द के साथ मनाएं। और जैसा कि अभी वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किए हैं कि किसी के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। जो लोग रंग गुलाल अबीर खेलने के इच्छुक हों उन्हें ही लगाएं। डीजे पर इस तरह का कोई भी संगीत कोई गाना ना बजाएं जिससे दूसरे लोगों को कोई आपत्ति हो कोई प्रश्न। मिलन होली मिलन के शुभ अवसर पर हम बुलाने पर हम हर साल आते हैं, या दीपावली हो या होली हो, हम सब साल प्रयास करते हैं। दरभंगा शहर के होने के नाते मैं जरूर आता हूँ और अपील करता हूँ, हर बार अपील कर किया हुआ, इस बार भी अपील करता हूँ कि होली मिलन और होली एक इच्छा शक्ति के अंदर का एक मिलन है, एक इच्छा का दूसरे इच्छा से हर उल्लास से मिलाने मिलने का समय है। वास्तव में विधायक जी बोले जोर जबरदस्ती का समय नहीं है। और मित्रों, व्यापारी वर्ग से भी और आमजन से भी, सभी पार्टी के कार्यकर्ता से भी अपील करूंगा कि जो स्थिति परिस्थिति है, जो हम हर साल होली मनाते हैं, जिस प्रकार से दरभंगा शहर जिला बसता है और शांतिपूर्वक मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पुनः कल होली है, पुनः शांति वातावरण में करने का अपील करेंगे।
प्रत्येक साल की भांति इस साल भी डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने होली मिलन समारोह आयोजित किया है। आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पारस्परिक प्रेम की अभिव्यक्ति है होली। हम लोग मिलजुल कर भाईचारा प्रेम के साथ होली का त्योहार मनाए। आज तो होलिका दहन है और कल रंग अबीर का दिन है। और डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रत्येक साल दीपावली मिलन समारोह और होली मिलन समारोह करता रहा है। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं सह प्रयोग प्रवेक्षक छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं वातानुकूलित छात्रावास एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। 8 मार्च 2020 को रात्रि संध्या 8:30 बजे सीआईटी बल एवं उत्पाद निरीक्षक सुरेश कुमार के टीम के साथ दरभंगा जिला के शहद लहरिया सराय नगर थाना सदर थाना विश्वविद्यालय थाना बेता ओपी कोतवाली यूपी के संदिग्ध स्थानों पर शराब माफिया बेचने वाले होम डिलीवरी करने वाले पूर्व से अपराधी व्यक्तियों के तथा संगीन कार्ड के अपराधियों के विरुद्ध अड्डा पर बेला मोड़ बाघ मोड़ कैदराबाद में छापेमारी आरम्भ किया गया। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत लक्ष्मी सागर के निकट 27 नंबर गोमती के पास से अपराधी रामेश्वर शाह और उसके बेटा के कांडों में जेल जा चुके हैं। संदिग्ध स्थानों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए छापेमारी किया गया तो रामेश्वर शाह के अड्डे पर और तालाब के निकट पानी में डूबा हुआ देसी शराब नेपाली 284 सोफिया गौरव लेवल लगा हुआ बरामद किया गया एवं विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू 375 ml के 9 पीस बरामद किया गया। रामेश्वर शाह को गिरफ्तार कर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु विश्वविद्यालय थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। 3 शराब कारोबारी 146 बोतल विदेशी शराब के साथ स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से गिरफ्तार किया गया जिसमें से 2 कारोबारी कीर्ति भूषण 20 पिता रंजीत कुमार महतो साकिन मोहनपुर थाना खदानपुर जिला बेगूसराय जो HA2AC का बेड रोलर है तथा सूरज कुमार 20 पिता शंभू शर्मा साकिन थाना
वारिसनगर जिला समस्तीपुर एसी B1 बेड का रोलर है तथा नितेश कुमार 19 पिता अरविंद कुमार शाकिन रुपौली थाना रोसड़ा जिला समस्तीपुर शराब रिसीव करने के लिए समस्तीपुर में चले थे। उक्त सभी हमेशा शराब लाकर बेड रखने वाले स्थान पर छिपाकर रख देते हैं और रिसीवर बुलाकर सामान को दे देते हैं। इस संबंध में पहले भी सूचना मिली थी परंतु ये सभी शराब को छिपा लिए थे जिसे बरामद नहीं किया जा सका था। उल्लेखनीय है कि समस्तीपुर जिला के बहुत से बेड रोलर है जो इस धंधा में लगे हुए हैं जिसके बारे में विशेष रूप से जांच किया जा रहा है। हाल ही में दिनांक 6 मार्च को 152 बोतल विदेशी शराब मिथिलांचल एक्सप्रेस से बरामद किया गया था। ये सभी थोक शराब बिना किसी के मिलीभगत से लाना संभव नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक लड़की जिसने खुद को बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट की घोषणा कर दी है वो भी पुष्पम प्रिया चौधरी। दरभंगा निवासी पुष्पम प्रिया चौधरी सीधे अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने की घोषणा कर डाली है। रविवार को देश के तमाम न्यूज़पेपर के सबसे पहले पेज पर उसके मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने का विज्ञापन आया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के जनता को विज्ञापन के माध्यम से एक पत्र भी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह पत्र एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपने साथी नागरिकों को लिख रही है जिसे संभाल कर रखें क्योंकि यह आपके और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की आपको गारंटी देता है। साथ ही वो लिखी है मुझे बिहार को बदलना है। हालांकि पत्र बहुत लंबी लिखी हुई है। पुष्पम चौधरी ने एक अपनी पार्टी की भी संगठन किया है जिसका नाम है प्लूरल। मिल रही जानकारी के मुताबिक पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा के जेडीयू नेता व पूर्व जेडीयू MLC विनोद चौधरी की बेटी है। वो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही है और वहीं से बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखे हुए है। तमाम दैनिक अखबार में अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने का विज्ञापन दिया है। मेरी बेटी उम्मीदवार को घोषित कर दे तो उसको आप रोक नहीं सकते। कहीं संविधान में ये वर्जन नहीं क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, लीडर नहीं। और JDU ने मैं जो संगठन प्रभारी था बिहार का महासचिव था उससे मैं 4 महीना पूर्व उस दायित्व से मुक्त हो चुका और अभी मेरा ध्यान सिर्फ दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने चुनाव को लेकर है। ये तो भविष्य के गर्व है और मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ईश्वर सारा तय करता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से पुष्पम प्रिया के साथ कुछ नहीं, कार्रवाई नेतृत्व जो है किसी व्यक्ति पर, बड़े लोगों पर, पवन वर्मा सरीखे व्यक्ति पर जिनको हम लोग समझते थे जिससे बड़ा विद्वान हमारे पार्टी में नहीं, उस पर कार्रवाई हुआ। प्रशांत किशोर जो कहते थे जो पूरा बिहार हमने चुनाव जिताया नीतीश, उस पर कार्रवाई हुई। तो मैं तो छोटा अदला सा कार्य करता हूँ। उसका कहना है जो ये तो मैं स्वयं ये सारा काम कर सकती हूँ और बड़े बड़े जो ये चुनाव देखने वाले लोग हैं उन लोगों से वो संपर्क में है और वो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और काम करेंगे। मैं बड़ा नेता था, बड़ा नेता इस ख्याल से मैं कहता हूँ तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और युवा नेता संजय गांधी थे। मैं तीनों व्यक्ति के संपर्क में रहा और तीनों व्यक्ति का आशीर्वाद मुझको प्राप्त था और मैंने संजय गांधी का कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित कराया था और मैं कुमुद रंजन स्वर्गीय हो गए कुमुद रंजन झा जी के साथ मैंने NSUI की स्थापना की थी। मैं यूथ कांग्रेस का बिहार का सेक्रेटरी रहा मानवर तारिक अनवर के साथ और यूथ कांग्रेस बिहार का जनरल सेक्रेटरी रहा चंदन बागची जी के साथ। NSUI में मेरे अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज रहे हैं और प्रेमचंद्र मिश्र जी ने के साथ मैं काम NSUI में करता रहा। इस पॉइंट में व्यक्तिगत वो आते हैं नीतीश कुमार मेरे यहाँ और पुष्पम प्रिया ने लगभग 10 बार उनको चाय कप पिलाई हो और वो एडवर्टीजमेंट देखे होंगे तो पहला व्यक्ति वही है जो फोटो देख के कहा आपसे स्पष्ट कहा। इससे ज़्यादा कहने की स्थिति में आज के दिन में नहीं हूँ और मैंने कहा मेरे लिए सम्मानित है माननीय नीतीश कुमार जी, मैं उनको सम्मान करता हूँ और मैंने ग्वालियर घराने का उदाहरण आपको दिया। विजया राजे सिंधिया कहाँ
आ माधव राव राजेश सिंधिया कहाँ, ये तो परंपरा है। चुनाव में जो कोई भी मुझको मदद करेगा मैं उसके साथ। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, धीरामपुर, दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था, इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। NLCY जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन जिला कार्यालय में किया गया। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, होली मिलन समारोह का उद्देश्य ईर्ष्या, देवर, नफरत, घृणा को दूर होते हुए प्रेम भाईचारा का मिसाल कायम करना और एकता अखंडता का प्रतीक बनाना है। दरभंगा NSUI हर साल समारोह का आयोजन कर समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम कर रहा है। जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव ने कहा, दरभंगा NSUI शपथ लिया है होली के माहौल में प्रशासनिक और सामाजिक स्तर से वातावरण को संतुलन रखने में योगदान करेगी। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन द्वारा कल रात्रि होली मिलन का कार्यक्रम दुनार स्थित पवन गार्डन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कोलकाता से आई टीम ने सभी आगंतुकों का अपने कार्यक्रम से मन मोह लिया। आयोजन में संयोजक लायन राजेश बोहरा और प्रभात बोहरा ने होली मिलन कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। क्लब के अध्यक्ष लायन SM माइकल ने सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत किया। अखिल भारतीय कक्ष महासभा दरभंगा जिला इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शिवाजी नगर स्थित कवि उपेंद्र निकेतन में होली मिलन समारोह सह कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता एवं विशिष्ट अतिथि साहित्यकार डॉक्टर हीरालाल सहनी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त के माल्यार्पण से किया गया तथा लोगों को अबीर गुलाल लगाया गया। फूड बैंक के सदस्यों के सहयोग से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जरूरतमंदों के बीच हलवा, पूरी, सब्जी, पेड़ा तथा होली त्योहार के लिए रंग बिरंगे पिचकारी तथा टोपी वितरण किया गया। वितरण श्यामा माई मंदिर दरभंगा स्टेशन, लहरिया सराय स्टेशन, शनि मंदिर DMCH के आसपास किया गया। वितरण में श्रीमती मंजू अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, श्री राजकुमार गगनानी एवं श्री मुकेश गगनानी, प्रभाकर झा, राजेश भगत, आशीष भगत मौजूद थे। फूड बैंक के सदस्यों के सहयोग से प्रत्येक रविवार को फूड बैंक जरूरतमंदों एवं गरीबों के बीच भोजन तथा वस्त्र का वितरण करती है तथा शिक्षा में सुधार के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस तथा एजुकेशन मेरिटिकल गरीबों के बीच बांटे जाते हैं। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है? या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है भेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 केजी के पैक में मौजूद है। इसके अलावा भेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं भेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाए और हमें सेवा का मौका दे। इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें।
जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम तथा नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में इस बैठक को में अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अनोज कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी इत्यादि लोगों ने शिरकत की। इस बैठक में बोलते हुए डीएम तथा सिटी एसपी ने निर्देश जारी करते हुए कहा, होली पर्व पर किसी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी प्रकार का गड़बड़ी फैलाने के कार्य करेंगे तो ऐसा लोगों के साथ सख्ती से साथ निपटा जाएगा। मुस्तैदी बढ़ते हुए शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए निर्देश दिया गया है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा के नजर में बनाएंगे, वीडियोग्राफर भी पर्याप्त जगह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया गया है। बहुत ही अच्छे संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस के डेपुटेशन हुआ है। सभी लोगों को मुझसे दराज करके पीक टाइम में और पूरे होली के अवसर पर भ्रमणशील रहने के निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं होनी थी, शांति समिति का बैठक विभिन्न स्तरों पर जिला स्तर पर मंडल स्तर पर हो चुकी है, लोगों से भी लगातार वार्ता की जा रही है, तो सभी प्रकार की कार्रवाई की गई है। और जिलावासियों से अपील करता हूँ कि होली के अवसर पर जरूर पर्व को धूमधाम से मनाएं, लेकिन सतर्कता भी बरतें, हर प्रकार की सतर्कता बरतें। अभी तो दूसरे समुदाय या जो लोग नहीं चाहते हैं उनके साथ नहीं खेले या उनके ऊपर लगाना या उसे दूसरे धार्मिक स्थल पर रंग लगा देना, इस प्रकार की जो नोटोरियस एलिमेंट्स हैं उसको चिन्हित करें और हम लोगों को बताएं। और दूसरा चीज़ है कोरोना वायरस के जो चल रही है उसके मद्देनज़र भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोई पैनिक होना है, सतर्कता बरते हुए भीड़ भाड़ लगी यथासंभव को देखते हुए आज हम लोगों ने पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के साथ में तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम साहब के साथ में एक बैठक रखी थी। सभी पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि आज शाम से ही अपने एरिया में भ्रमणशील रहेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। थानों मजिस्ट्रेट लेवल पर भी जो प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग को लेने थे वो सभी लिए हैं। 107 116 की कार्रवाई बहुत लोगों पर की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस को ये भी निर्देश दिया है कि समय पर रिपोर्ट करें और उसमें एब्सेंटिज्म को हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं जिसको हम लोग अभी भी उसका फॉलोअप कर रहे हैं। इसके अलावा शांति समिति 5 लेवल पे की गई है, जिला लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे। इस बार हम लोग ने गांव और मोहल्ला लेवल पे भी शांति समिति की है लोकल लोगों से मिलकर के, और उनको भी जिम्मेदारी दी है कि इस होली के त्यौहार में सिर्फ मनाएँ और प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग को कोऑपरेट भी करें। तो मुझे उम्मीद है कि हर वर्ष की भांति दरभंगा जिला इस बार भी होली को अच्छे से मनाएगा, प्रशासन को सपोर्ट करेगा और ये सिलसिला हम लोग आने वाले पर्व त्यौहार और सभी चीज़ों पे करते रहेंगे। संतोष सिंह एवं मुन्ना सिंह के संयुक्त तत्वाधान में सर्वे कैंपस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस मिलन समारोह में अनेकों गण्यमान्य लोगों के अलावे स्थानीय लोगों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया। वहीं उपस्थित लोगों ने एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल लगाकर समारोह को आगे बढ़ाते हुए होली का लुत्फ उठाया। वहीं हमारे संवाददाता राजू सिंह ने मौके पर उपस्थित संतोष सिंह एवं मुन्ना सिंह से बात करके इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आज होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पे सबसे पहले तो हम मिथिलांचल वासियों को हम होली के अवसर पे हम चाहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं जो हमारे सभी भाई खुशहाल रहे और खुशहाल पूर्वक रहे। और आज का जो होली मिलन समारोह में जो है यहाँ पे बैजू बाबू जो है जो मिथिला के लिए सदैव मिथिला मैथिली के लिए सदैव लड़ाई किए, हमेशा मतलब सांसद से लेकर विधानसभा में क्वेश्चन उठवाने का काम किए बैजू बाबू, वो आए हुए हैं। और यहाँ पे जो बद्रीपुर में जो यहाँ पे बद्रीपुर में राजीपुर में जो चुनाव लड़ रहे थे मधुबनी से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे वो भी यहाँ पे शिरकत किए हैं इस प्रोग्राम में, होली मिलन समारोह में यहाँ पे शिरकत किए हैं। और हमारे दोस्त मुन्ना सिंह जो समाज सेवक है, ये प्रोग्राम जो है मुन्ना सिंह के द्वारा और हमारे द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और इस अवसर पर हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो जितने भी अभी देश में अराजकता की जो माहौल थी आप लोगों ने देखा, वो सभी चीज़ को भुला के और जैसा सदियों से जो खुशीपूर्वक गला मिलकर एक दूसरे, हर कौम जो एक दूसरे से गला मिलकर रहते हैं, इसी तरह हमारे भी हर कौम एक दूसरे के साथ गला मिलकर खुशहाल पूर्वक रहे, यही भगवान से कामना करते हैं। संतोष कुमार सिंह सर, होली मिलन समारोह है, होली की शुभकामना है मिथिलावासियों के, देशवासियों के। हम लोग विशेष रूप से बैजू बाबू को
विजय पूर्वे जी के, बद्री पूर्वे जी को इन्वाइट किए, उन्हीं के सम्मान में ये आयोजित किया गया है। मुन्ना सिंह, दरभंगा शहर के मरवाड़ी कॉलेज के समीप बजरंग मंदिर के परिसर में बजरंग दल दरभंगा के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस समारोह में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के अलावे बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी लोग जानते हैं कि फागुन का समय है, होली का त्यौहार, 9 तारीख को होली का दहन है और 10 को होली है। यह त्यौहार धर्म और अधर्म अधर्म का प्रतीक है। जैसे हमारे प्रभु प्रह्लाद जो भगवान पे निष्ठा और रखते थे, सत्य को मानते थे, जो होलिका उसकी फुआ थी और वह भगवान को मानते थे, इसके लिए लकड़ी के ढेर में उसे अब एक चादर ओढ़ कर और उसको गोद में लेके बैठ गया था। ऐसा आंधी तूफान आया कि वह चादर उनके फुआ के देह से उतर कर और प्रह्लाद के पूरे शरीर पे निपट गया और प्रह्लाद सही और सुरक्षित रहे और होलिका का उस दिन वध हो गया। इसलिए हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। होली हम लोगों के लिए खुशियों का त्यौहार है, रंग बिरंगों का त्यौहार है। हम लोग होली को होली के तरीका से मनाएंगे। हम लोग सभी से निवेदन करेंगे, देशवासियों से, कि इस बार की होली नशा मुक्त होली मनाएं और किसी भी प्रकार के अफवाह में न जाएं, अपनी सुरक्षा खुद से करें और अपने से अलर्ट रहें कि किसी प्रकार की जो अफवाहें होती है उस पर ना जाएं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो भी इस होली के समय में अपने चौक चौराहों पर बाजा साउंड बजाना चाहते हैं वो खुलकर बजावे, लेकिन संविधान के अंदर बजावे। बहुत लोग होते हैं क्या कि 10-10 बॉक्स लगा देते हैं, वैसा नहीं। बाजा आप खुशी ऐसा मनावे कि आपके खुशी से किसी दूसरे को दुख ना हो, आपके खुशी से दूसरे लोग को खुशी मिले, ऐसा खुशी मनावे। इसलिए कि जो अभी प्रशासन जो नियम लगा रहे हैं डीजे बंद, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग डीजे बजाएंगे, लेकिन नियम जो कानून है उसके अंदर बजाएंगे। रात को 10 बजे के बाद बाजा को बंद कर लेंगे, निवेदन है। दूसरा कि अश्लील गाना कोई भी लोग अपने चौक चौराहे पर नहीं बजाएंगे। जो होली का पुराना गाना है, एक से एक गाना है, वो बजाएं, ताकि हमारे किसी दूसरे धर्म के लोगों को भी और हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, संकट ना हो और किसी प्रकार की आपदा ना हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग स्वतंत्र रूप से खुशी मनावे, होली मनावे और गाजे बाजे के साथ होली मनावे। क्या नाम हुआ? राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक, दरभंगा। कहाँ पर कार्यक्रम किए हैं? ये कार्यक्रम मरवाड़ी कॉलेज गंगा सागर शिव मंदिर के प्रांगण में हो रही है होली मिलन समारोह। इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला संचालक विभाग कार्यवाह दिलीप जी और जिला संचालक अशोक जी और इस न्यास समिति के मेंबर लोग भी शामिल हुए हैं और हमारे सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्वविंदु परिषद के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हैं।